तेज व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं हर ताली का, तेज व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, बड़े प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, आशुतोष बाबा भोलेनाथ की जय, गणपति लंबोदर भगवान की जय। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत त्योहार बड़ी श्रद्धा व प्रेम से रखे व मनाए जाते रहे हैं। मन चाहा पति पाने की इच्छा से हरतालिका व्रत औरतों द्वारा रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसते ही माता पार्वती की तरह व्रत रखने वाली का सपना पूर्ण होते देर नहीं लगती। कई औरतें तो निर्जला रहकर भी यह व्रत धारण कर लेती हैं। अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल देने वाला ये व्रत अगले पिछले सब पापों से मुक्त कराने वाले व्रत की छोटी सी गाथा आप सभी भक्तों को सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, बाबा भोलेनाथ की जय। व्रत ही अगले पिछले पाप मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। छोटी सी कथा सुनाओ, पुण्य मिले अपार। एक दिन पहुँचे मुनि नारद जी हिमालय के द्वार। बोले हिमालय आओ मुनि जी, कैसे आए हो? तुम तो संदेश देते हो, क्या संदेश लाए हो? नारद बोले ध्यान लगा कर सुनना है गिरिराज, खबर सुनाने से विष्णु जी विवाह करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। जो मैं ला
सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, अपनी सखी के बताए हुए समाधान अनुसार माता पार्वती घर से दूर एक जंगल में नदी किनारे गुफा में घोर तप करने लगी। राजा हिमालय ने तो नारद मुनि को विष्णु से विवाह की सहमति भी दे दी थी। राजा हिमालय ने बहुत खोजबीन की, परंतु पार्वती को खोज नहीं पाए। शिव मंत्र का जाप करते करते पार्वती ने बहुत समय गुजार दिया। अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। भादो महीना आया, तब शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उपवास व्रत रखा, शिवलिंग पूजन किया, भोलेनाथ को चलकर आना पड़ा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ की जय। चिंतित मन में परम सती, बड़ा भयानक बड़ा ही गहरा जंगल था घनघोर, लगा समाधि शिव शिव रटती करती तप कठोर। पार्वती तो चली गई है हो करके नाराज, हिमालय तो मोचित हो गए जब जाना ये राज, वचन भंग की चिंता समान आधे हो गए थे। अब क्या होगा कैसे होगा यत्न बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, शंकर भगवान। पार्वती की खोज में लग गए कर्मचारी सारे, खबर कोई भी लगा न पाए सारे ही हारे। एक नदी के तट पे सती शिव का नाम, दिन देखे ना रात तपस्या करती सुबह हो शाम। एक गुफा में बिता रही थी पार्वती दिन रात, मन मंदिर में बसा लिए थे शंकर भोलेनाथ। भादो शुक्ल तृतीया के दिन किया व्रत उपवास, शिवलिंग पूजन रात जागरण श्रद्धा व विश्वास। पार्वती के मन की शंकर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। केवल मेरे साथ अर्धांगिनी तो पार्वती को किया तभी स्वीकार,
सजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। सुख भोगेगी भारी, पार्वती को भोले ऐसी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, शिव शंकर भगवान। कष्ट से करते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। खुश होती है सुंदर सोहण वस्त्र पहन के शिव का करती ध्यान, निर्जल रह कर भी तो व्रत का लिखा विधि विधान। पहले करनी होती है शिव गौरी की पूजा, विघ्न विनाशक गणपति जी भी देव संग दूजा। ऐसे व्रत ही सोए भाग्य फिर से जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान।
दिलवाते, देके दक्षिणा पंडित जी से आशीर्वाद है पाते। कमल सिंह तिज व्रत कथा से यह बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, बाबा भोलेनाथ से विवाह की स्वीकृति पाकर पार्वती चिंता मुक्त हो गईं। एक रोज राजा हिमालय खोजकर उसे घर ले आए। शास्त्र विधि अनुसार बाबा भोलेनाथ के साथ पार्वती का विवाह किया गया। हरतालिका व्रत के कारण मन चाहा पति प्राप्त करने में देर तो लगी, पर इच्छा पूर्ण हो गई। भक्तों, तब से ही इस व्रत की प्रथा चली आ रही है। भादो महीने की शुक्ल तृतीया को औरतें इस व्रत को रखकर अपनी मन की मुरादें पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोले भक्तों, बाबा भोलेनाथ की जय। कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। शेरों वाली सहारा तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं। मैंने जो भी मांगा है तुमसे, तूने पल पल मुझको दिया माता। मैंने जो भी मांगा है तुमसे, तूने पल पल मुझको दिया माता। अब तेरे चरणों में दाती, दिन रात मैं बैठा रहूं सदा। जो मेरा है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। जो मेरा है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। खाली झोली में तूने मैया खुशियों के फूल खिलाए हैं। खाली झोली में तूने माता खुशियों के फूल खिलाए हैं। अब तेरे नाम की महिमा को लोगों को सुनाता हूँ माता। मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता। शेरों वाली मुझको माँ मेरी, चरणों से कभी ना दूर करो। शेरों वाली मेरी माँ मुझको, चरणों से कभी ना दूर।
तेरे संग जीना संग मरना है, चन्नी चरणों में बैठा है सदा, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हो के रहूं माता।
कृपालु हे माँ भवानी, हे माँ भवानी। तुम हो दयालु, तुम हो कृपालु, हे माँ भवानी, हे माँ भवानी। कोई न दूजा घर घर होती माँ की पूजा। माँ से बढ़ कर कोई न दूजा घर घर होती माँ की पूजा। शरण में माँ की महिमा है कण कण में, पापी भी आ जाते शरण में। से बढ़ कर बोल नहीं है, माँ के प्यार का मोल नहीं है,
माँ से बढ़कर बोल नहीं है।